तो फ्रेंड हम जा रहे हैं सूर्य नारायण के मेले से होते हुए गिरौदपुरी धाम, जहाँ पे गुरु घासीदास जी का जन्म स्थल है। तो फ्रेंड आप मेरी वीडियो पर ऐसे ही बने रहिए, आपको गुरु घासीदास जी के जन्म स्थल की सारी कहानी इस वीडियो में देखने के लिए सुनने के लिए मिलेगा। आप वीडियो को स्किप मत कीजिएगा, मैं गुरु घासीदास जी का बहुत ही पुराना घर इस वीडियो में दिखाऊंगा। वीडियो काफ़ी ज़्यादा इंटरेस्टिंग और नॉलेजेबल होने वाली है, वीडियो को स्किप मत कीजिएगा। तो चलिए फ्रेंड वीडियो स्टार्ट करते हैं। सर सो फ्रेंड मैं यहाँ पर पहुँच चुका हूँ, देख सकते हैं पीछे में मेरे गेट है, गुरु घासीदास जी का जन्म स्थल मार्ग लिखा हुआ है। तो चलिए फ्रेंड हम आगे की तरफ बढ़ते हैं और आपको गुरु घासीदास जी का जो बहुत ही पुराना घर है उसको इस वीडियो के माध्यम से आपको दिखाते हैं। तो चलिए फ्रेंड उससे पहले अगर आप हमारे चैनल पर नए हो तो अपने प्यारे हाथों से हमारे चैनल को सब्सक्राइब कर लीजिए। तो चलिए फ्रेंड आगे बढ़ते हैं, आप हमारी वीडियो पर ऐसे ही बने रहिए। चलिए फ्रेंड हम आगे की तरफ चलते हैं, यही वाला रास्ता है अंदर की तरफ जाने के लिए। गली से होते हुए गुरु घासीदास जी का घर आपको सामने मिल जाएगा। करीबन मेन रोड से 200 मीटर की दूरी पर गुरु घासीदास जी का बहुत ही पुराना घर है। चलिए आगे की तरफ चलते हैं, आप हमारी वीडियो पर ऐसे ही बने रहिए ताकि हम आपको सारी जानकारी इस वीडियो में दे सकें। वीडियो को स्किप मत कीजिएगा, काफ़ी ज़्यादा नॉलेजेबल होने वाली वीडियो, ताकि आपको भी इसमें कुछ सीखने समझने के लिए मिलेगा इस वीडियो में। तो फ्रेंड हम लोग पहुँच गए हैं गुरु घासीदास जी के घर में, देख सकते हैं काफ़ी पुराना घर है और यहाँ पर बहुत ही पुराने दरवाजे लगे हुए हैं और यहाँ पर श्रद्धालुओं की भीड़ लगती है। देख सकते हैं अभी भी दर्शन करने के लिए लोग यहाँ पर आते ही रहते हैं। और देख सकते हैं इस तरफ काफ़ी पुराना आपको यहाँ पर मकान देखने के लिए मिलेगा। तो चलिए फ्रेंड मैं आपको गुरु घासीदास जी का कक्ष दिखाता हूँ, जहाँ पर चेयर रखे हुए हैं और वाइट कपड़े में काफ़ी सुंदर से इसको सजाया गया है। यहाँ पर गुरु घासीदास जी के घर को देखने के लिए और इनका दर्शन करने के लिए अलग अलग धर्म के लोग भी यहाँ पर आते हैं। आप देख सकते हैं अभी सतनाम धर्म के लोगों की भीड़ यहाँ पर काफ़ी ज़्यादा आपको देखने के लिए मिलेगी। और यहाँ पर देख सकते हैं जैसम जैसा काफ़ी पुराना जैसा बनाया गया है यहाँ पर। और गुरु घासीदास जी की घर की अगर हम बात करें तो काफ़ी प्राचीन समय का यह घर है, जो देख सकते हैं मिट्टी और कुछ अलग चीज़ों से बना हुआ है। और यहाँ पर देख सकते हैं गुरु घासीदास जी का यहाँ पर एक कमरा है जो छोटा सा है, और यहाँ पर दीप जलाए हुए हैं। और ये देख सकते हैं चेयर पर सफ़ेद कपड़े रखे हुए हैं, जहाँ पर गुरु घासीदास जी का बैठने का स्थान है यहाँ पर। तो चले फ्रेंड आगे की तरफ, मैं अब आपको वो घड़ी आ चुकी है जिसमें आपको हम गुरु घासीदास जी की कहानी बताएँगे। तो चले फ्रेंड आगे की तरफ हम बढ़ते हैं। गुरु घासीदास जी के वंशज उत्तर भारत नारनौल के रहने वाले थे। सन 1672 में मुगल बादशाह और औरंगजेब के साथ लड़ाई के बाद नारनौल के सतनामी लोगों के साथ उत्तर प्रदेश राज्य उड़ीसा कालाहांडी जिले में चले गए थे। दो चार परिवार वाले लोग महानदी के किनारे होते हुए मध्य प्रदेश राज्य के चंद्रपुर में चले गए। औरंगजेब फरमान निकाल दिए थे, जो भी राजा जमींदार सतनामी समाज के लोगों को जगह देगा उनको कड़ी सजा दी जाएगी। औरंगजेब के डर से कई राजा लोग सतनामी लोगों को पकड़ के औरंगजेब को सौंप देते थे, और कई राजा और जमींदार अपने राज्य को छोड़ के दूसरे राज्य में जाने का छूट दे दिया। चंद्रपुर से होते हुए राजिम नवापारा सोना खान के जंगल में पहुंच गए। गोंडवाना राज्य होने के कारण मुगल राजा का प्रभाव कम था। सतनामी लोग बहादुर, मेहनती और आत्मनिर्भर थे। अपने मेहनत से जंगल को काट कर उबड़ खाबड़ जमीन को बराबर करके जमीन को खेती करने के लिए तैयार किया और अपना जीवन यापन करते थे। इसी सतनामी परिवार में दीनदास नाम का भी था। इसी परिवार में नाती के रूप में गुरु घासीदास जी का जन्म हुआ। आज से 264 समय पूर्व 18 दिसंबर सन 1756 में बाबा महंगूदास और माता अमरौतीन बाई के गर्भ से ग्राम गिरौदपुरी वर्तमान जिला बलौदा बाजार के पावन स्थल में
सतनाम धर्म के संत गुरु घासीदास जी का जन्म हुआ। गुरु घासीदास जी का बचपन जंगल, पहाड़, नदी, प्रकृति की गोद में गुजरे। गुरु घासीदास जी जब शादी के योग्य हुए तब लड़की की तलाश में, तब प्राचीन बौद्ध नगरी सिरपुर के सत्यवान और सत्यवती की लड़की सफूरा के विवाह हुआ। घासीदास और सफूरा माता सुभद्रा देवी और गुरु अमरदास, गुरु बालक दास, गुरु अगरदास और अड़गढ़ी दास पांच पुत्र हुए। गुरु घासीदास समाज में पहले जात पात छुआछूत से व्यथित हो गए थे। जात पात को समाज के कोढ़े बीमारी जैसे मानते थे। उनका मानना था कि जब तक इस समाज में जाति पाति वर्ण व्यवस्था रहेगा तब तक हमारा देश गुलामी करता रहेगा। यह जात पात छुआछूत को खत्म नहीं करेगा तब तक हमारा देश और समाज गुलामी करता रहेगा और हमारा देश और समाज कभी आगे नहीं बढ़ पाएगा। गुरु घासीदास बाबा जानते थे कि हमारा मानव समाज का एक भाग अपने स्वार्थ के लिए पूरे समाज को जानवर चराते थे और आपस लड़ाया करते थे। इसी जाति पाति के कारण विदेशी और मुगल लोगों के गुलाम होते थे। इसी छुआछूत समाज को एक बनाने के लिए गुरु घासीदास अथक प्रयास किए और वह सफल हो गए। तो फ्रेंड हम पहुंच चुके हैं गिरौदपुरी धाम के मुख्य द्वार पर। देख सकते हैं फ्रेंड यहां पर काफ़ी ज़्यादा भक्तों की भीड़ लगती है जो घुटने के बल लेटते हुए करीबन 200 से 300 मीटर तक का रास्ता तय करके गुरु घासीदास का दर्शन करने के लिए जाते हैं और मन्नत मांगते हुए ये जो लेट कर प्रणाम करते हुए एक नारियल पकड़े रहते हैं और लेटते हुए घुटनों के बल गुरु घासीदास जी के मंदिर तक पहुंचते हैं और यहाँ पर पूजा आराधना करते हैं। तो फ्रेंड देख सकते हैं यहाँ पर हर दिन आपको 200 से 300 400 भक्तों की भीड़ आपको देखने के लिए मिलेगी। इस जगह पर काफ़ी ज़्यादा श्रद्धालुओं की भीड़ लगती है और देख सकते हैं काफ़ी ज़्यादा नारियल यहाँ पर बांधे हुए हैं। इस जगह पर आपको अनेकों मंदिर का भी दर्शन होगा। इस वीडियो में आप बने रहिए, मैं बारी बारी से सभी जगह पर स्थित कुछ मंदिर है जो गुरु घासीदास से जुड़े हुए हैं उनका आपको दर्शन कराऊंगा। देख सकते हैं फ्रेंड किस प्रकार से लेटते हुए मंदिर तक पहुंचा जाता। तो फ्रेंड ये जो जगह है पहाड़ियों के बीच में है, काफ़ी सुंदर सा यहाँ पर आपको व्यू देखने के लिए मिलेगा। चलिए मैं आगे की तरफ लेके चलता हूँ, और भी यहाँ पर मंदिर हैं जिनका मैं आपको बारी बारी से दर्शन कराता हूँ। आप मेरी वीडियो पर ऐसे ही बने रहिए। देख सकते हैं यहाँ पर काफ़ी ज़्यादा आपको भीड़ देखने के लिए मिलेगा, काफ़ी दूर दूर से लोग यहाँ पर आते हैं और ख़ासकर अभी 2-3 दिनों के बाद यहाँ पर मेला भी शुरू हो जाएगा। और यहाँ का जो मेला रहता है काफ़ी ज़्यादा भीड़ रहता है और बहुत ज़्यादा लोग यहाँ पर आते हैं दर्शन करने के लिए। मेले में आप अगर यहाँ पर आते हो तो आपके लिए खाने पीने का व्यवस्था भी यहाँ पर मिल जाएगा और सोने के लिए आपको जगह भी मिल जाएंगे। बस अपने लिए कुछ कम्बल और कुछ अपने लिए कुछ इंतज़ाम करके आना पड़ता है आपको। उसके बाद जैसे कि आप यहाँ पर रहोगे रात भर, उसके बाद सुबह से आपको एक गाड़ी मिल जाएगी, आपको लेने के लिए गाड़ी आ जाती है जिस जिस जगह पर आप रहेंगे। आपको रायपुर से जाने के लिए भी गाड़ी मिल जाएगी, काफ़ी अच्छा सा सुविधा यहाँ पर आपको मिल जाएगी। सो फ्रेंड यहाँ पर देख सकते हैं कुछ मंदिर है यहाँ पर गुरु घासीदास जी का, यहाँ पर भी देख सकते हैं भक्तों की भीड़ लगी हुई है और यहाँ पर खासकर सतनाम धर्म के लोगों की भीड़ काफ़ी ज़्यादा लगती है। चलिए फ्रेंड आगे हमारी वीडियो में ऐसी बन रही है, हम आपको चारों तरफ का व्यू दिखाते हैं। काफ़ी अच्छा अच्छा आपको सुंदर सुंदर व्यू देखने के लिए इस जगह पर मिलेगा। देख सकते हैं यहाँ पर एनी टाइम पुजारी बैठे रहते हैं। तो फ्रेंड देख सकते हैं काफ़ी सुंदर सा यहाँ पर मंदिर बना हुआ है, पूरे वाइट में है। और इस जगह पर देख सकते हैं कुछ लड़कियाँ जा रही हैं यहाँ पर दर्शन करने के लिए। तो चलिए फ्रेंड मिलते हैं नेक्स्ट वीडियो में।